हेलो फ्रेंड्स, सिलास फूडशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी ढाबा स्टाइल पालक पनीर। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए घंटी जरूर दबाएं। मैंने ये आधा किलो पालक लिया है, इसके पीछे की डंठल तोड़ लीजिए। लहसुन 5-6 कली, 5 हरी मिर्च, 3 हरे टमाटर, 1 बाल्टी या गंज में आप पानी ले लीजिए और ये पालक को डाल दीजिए। इस तरह से डुबोए, मट्टी नीचे रह जाए, ये मट्टी बिल्कुल नीचे रह गई है। लहसुन को हम छील लेंगे। मैंने ये 5-6 लहसुन धूप में 1 घंटे के लिए रख दिया था। एक कढ़ाई में पानी ले, पानी में उबाल आने दे, इस पर ढक्कन लगा दे। पानी में उबाल आ चुका है, टमाटर को हम उबालने के लिए गर्म पानी में डाल देंगे और इसे ढक्कन लगा दीजिए 2 मिनट के लिए। टमाटर बॉईल हो चुके हैं। टमाटर को मैंने बॉईल इसलिए किया है कि इसके छिलके निकल जाए, थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसके छिलके उतार लें। इसी पानी में 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर इसलिए डालेंगे ताकि पालक का कलर हरा ही रहे। पानी में पालक डाल दे और इसे पानी में डुबो दे। 2 मिनट के लिए ढक्कन दे दे। ढक्कन हटा ले। पालक हमारा उबल चुका है, इसे निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे। पालक ठंडा हो चुका है, बाउल या किसी बर्तन में निकाल ले। मिक्सर जार लेंगे, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, पालक, इन सबको साथ में पीस लेंगे। सब चीजें हमने पीस ली है, कलर कितना सुंदर आया है। कढ़ाई में 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। आप बटर या घी कुछ भी ले सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग, दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग। पालक की ग्रेवी डाल दें और इसको अच्छे से मिला लें। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि टमाटर हमने डाले थे, उसी से ग्रेवी हो जाती है। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लें। पालक हमारा अच्छे से पक चुका है, कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसमें आप पनीर डालेंगे। ये पनीर मैंने घर पे बनाया है, इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी YouTube चैनल पे डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लें। 1 चम्मच घर की मलाई डाल रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, और इसे मिक्स कर लें। ये मेरा सीक्रेट है, मैं पालक पनीर की सब्जी में लास्ट में नमक डालती हूँ क्योंकि इसका कलर हरा का हरा ही रहे। 1 टीस्पून नमक और इसे मिला लें और 1 उबाल आने दे। सब्जी में उबाल आ चुका है, हमारी पालक पनीर की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है।